हेलो गाइस, मेरा नाम है रवि। स्टडी ग्लो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करेंगे स्लिप एक्सपेरिमेंट के बारे में। दोस्तों, एक ऐसा एक्सपेरिमेंट जिसमें यह बताया जाता है कि इंसान दानव बन गया था, इंसान शैतान बन गया था, राक्षस बन गया था। और ये भी जानेंगे कि क्या ये कहानी, क्या ये एक्सपेरिमेंट सच में सही है या झूठ है या अफवाह है। तो आइए जानते हैं इस कहानी के बारे में। 1947 में क्या हो रहा था, जहां सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म हो रहा था, उधर दूसरी तरफ क्या हो रहा था, रसिया। ठीक है, रसिया क्या चाह रहा था कि उसको जो साइंटिस्ट हैं, क्या वो काफ़ी मजबूत बने, काफ़ी ताकतवर बन जाएं, ऐसे बन जाएं कि उनको दर्द ही ना हो, ताकि लड़ाई में वो क्या करें, दानों की तरह लोगों को मार के ख़त्म कर सकें। उनके पास कुछ साइंटिस्ट थे, ठीक है, उनके पास जो साइंटिस्ट थे उन्होंने क्या किया था, कुछ ऐसी खोज की थी, कुछ ऐसी दवाओं की खोज की थी जिसके तहत क्या था कि अगर किसी इंसान को ड्रग दिया जाए, वो दवा दिया जाए, तो इंसान क्या करता था, उसको दर्द नहीं होता था, उसको दर्द होता ही नहीं था, चाहे उसको पैर को काट दिया जाए, चाहे उसको सर को फोड़ दिया जाए, कुछ भी कर दिया जाए, उसको दर्द नहीं होता था। फिर क्या होता है, एक्सपेरिमेंट चालू रहता है, ठीक है, और जो रशियन गवर्नमेंट होती है उनको क्या करती है, प्रॉपरली फंड करने लगती है। 3 से 4 साइंटिस्ट क्या होता है, मिलकर इस पर काम करना चालू करते हैं। और होता क्या है, 1947 में क्या होता है, 6 अमेरिकी जो कैदी होते हैं, जो सैनिक होते हैं, उनको क्या होता है, कैदी बना लिया जाता है। अब दूसरी तरफ जहाँ एक्सपेरिमेंट चल रहा है, लेकिन उनको चाहिए था कोई इंसान जिसके ऊपर क्या करें, वो एक्सपेरिमेंट कर सकें। तो इसके लिए क्या होता है, अब देखिए, ऐसे तो किसी इंसान पर तो कर नहीं सकते एक्सपेरिमेंट, क्योंकि जैसे भारत ही है, अगर डॉक्टर को एक्सपेरिमेंट करना है तो इंसानों के ऊपर तो कर नहीं सकते भारत के। हाँ, तो उस टाइम पे क्या था, जो कैदी थे उनके ऊपर क्या था, उनको वैसे ही मारा जाना था, उनको वैसे भी मार दिया जाता। इसके लिए क्या होता, जो साइंटिस्ट जो गवर्नमेंट होती है उनको वो कैदी दे देती है एक्सपेरिमेंट के लिए। फिर क्या करते हैं, साइंटिस्ट होते हैं उन कैदी को लाते हैं, और क्या होता है, एक कमरा बनाते हैं, जैसा कि मैं आपको दिखा दूँ। फिर क्या होता है, कमरा बनाते हैं, जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं, इस कमरे में क्या होता है, वो जो 6 सैनिक होते हैं उनको इस कमरे में डाल दिया जाता है। जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पे क्या होता है, उस कमरे पे क्या होता है, वो कांच का वो लगा, खिड़की लगी होती है, जहाँ से वो देख, मतलब अंदर के जो सैनिक होते हैं वो बाहर नहीं देख पाएंगे, लेकिन डॉक्टर क्या थे, अंदर देख पाते। फिर क्या होता है, उन 6 सैनिक को क्या किया जाता है, अंदर डाल दिया जाता है, उनको कपड़े दिए जाते हैं, जितना खाना दिया जाता है, और उसमें ये रहता है कि इनको लगभग 30 दिन तक उसमें रखा जाएगा, तो खाना भी दिया जाता है, उनको सारी चीज़ें, उनको लगभग किताबें दे दी जाती हैं, लेकिन उसमें एक चीज़ नहीं दिया जाता है, उनको सोने के लिए कोई चीज़ नहीं दी जाती है, उनको फ्लैट ज़मीन पे सोना है, ये चीज़ उसमें रहती है। और इसके बाद क्या होता है कि सारी वो चारों तरफ से बंद होता है, सिर्फ छोटा सा एक होल होता है जहां से क्या था कि उनको ऑक्सीजन दिया जा रहा था। उसी के बाद क्या होता है, अब ये डॉक्टर क्या करते हैं कि एक्सपेरिमेंट कैसे करें, तो ये क्या करते हैं, उस ऑक्सीजन के साथ जो उनकी दवा होता है उसको क्या करते हैं, पाउडर के फॉर्म में उस ऑक्सीजन में मिला के सप्लाई कर देते हैं कमरे के अंदर। अब क्या होता है कि जो कैदी होते हैं उनको क्या होता है कि वो दवा उसके ऑक्सीजन के थ्रू उनको मिलने लगता है। तो कुछ दिन तक तो कुछ नहीं होता, 2-3-4 दिन तक कुछ नहीं होता, लेकिन फिर 5वें दिन क्या होता है, जो कैदी होते हैं उसमें से थोड़ी सी हलचल करने लगते हैं, वो अजीब सी हरकतें करने लगते हैं, हंसने लगते हैं, कुछ और चीज़ें करने लगते हैं, और उसमें से एक कैदी जो होता है वो बहुत ज़्यादा हरकतें करने लगता है। लगभग 9 से 10 दिन के आसपास क्या होता है कि पहले तो खूब चिल्लाता है, ये मतलब हंसता है, चिल्लाता है, पलटता रहता है, लेकिन फिर इसको खांसी आने लगती है। वो कैदी खांसते खांसते इतना खांसता है उसका जो वोकल कॉर्ड होता है वो फट जाता है गर्दन से, उसका वोकल कॉर्ड फट जाता है, बाकी जो सैनिक 5 सैनिक बचते हैं वो वैसे ही रहते हैं। अब क्या होता है दोस्तों कि अब यहां से पूरा देखा जा रहा है, फिर 5 सैनिक में क्या होता है कि वो क्या करते हैं कि जैसे कुछ दिन और बीतता है, 14-15 दिन और बीतता है, उसके बाद क्या होते हैं, उसमें से एक सैनिक जो होता है वो क्या करता है, चिल्लाने लगता है, लोटने फूटने लगता है, हंसने लगते हैं वो लोग, फिर हंसते अपने क्या करते हैं, चेहरे को वो लोग क्या करते हैं, नाखून से खरोचने लगते हैं, बॉडी को खरोचने लगते हैं, और खरोचते हंसते डॉक्टर ये देख रहे होते हैं। फिर कुछ उसके बाद वो अचानक से शांत हो जाते हैं, सारे कैदी अचानक से शांत हो जाते हैं, धीरे धीरे एकदम चुप हो जाते हैं। अब डॉक्टर ये समझ ही नहीं पाते कि इनके साथ हो क्या रहा है। फिर क्या होता है, एक सैनिक आता है जो उनको किताब मिली होती है, जैसा कि मैंने आपको बताया था, उनको किताब दी गई होती है डॉक्टर के द्वारा, तो वो क्या करते हैं, किताब के पन्ने को क्या करते हैं, फाड़ देते हैं, अपने खून से क्या करते हैं, उनसे खून उसमें लगा देते हैं, और उसके बाद क्या करते हैं, ये जो शीशा लगा होता है उसको चिपका देते हैं, ताकि डॉक्टर क्या हो, अंदर देख ना पाए, वो चिपका के ढक देता है। अब डॉक्टर बड़े परेशान कि कैदी के साथ क्या हो रहा है, अंदर कैदी क्या कर रहे हैं, डॉक्टर को समझ नहीं आ रहा होता है, लेकिन उनको ये पता चल जाता है कि जो अंदर कैदी वो जिंदा है। कैसे पता चलता है, क्योंकि जो ऑक्सीजन ये दे रहे थे, तो जो कैदी थे ऑक्सीजन सक कर रहे थे, अंदर ले रहे थे, तो ऑक्सीजन कम होगा तो ऑक्सीजन और सप्लाई बढ़ेगा, तो ऑक्सीजन की जो खपत हो रही थी इसके हिसाब से क्या हो रहा था कि अंदाजा पा जा रहे थे कि जो अंदर कैदी है वो जिंदा है। ऐसा कुछ दिन बीतता है,
फिर डॉक्टर बहुत परेशान होते कि क्या होने वाला है, जैसे 30 दिन के आसपास आता है फिर क्या होता है, ये सब दरवाजा खोलते हैं। जब ये दोस्तों जब ये जानना चाहते हैं कि अंदर क्या है, क्या हुआ होगा, क्योंकि कोई आवाज नहीं, कोई कुछ नहीं, तो जैसे ही दरवाजा खोलते हैं वो देखते हैं कि पहले जमीन दिखती है, अपना पैर वो रखते हैं, देखते हैं कि उनका पैर खून से लथपथ है, वहां पे समझ लीजिए खून की चादर बिछी होती है ऐसे, फिर वो देखते हैं खून ही खून चारों तरफ, और उस पर खून के साथ साथ उसमें देख के वो आश्चर्य हो जाते हैं कि उस खून के चारों तरफ क्या है कि छोटे उंगली कटी हुई है, हाथ कटा हुआ है, मांस का टुकड़ा निकल के वहां पे गिरा हुआ है, वो सब देखते हैं, वो सब डॉक्टर डर जाते हैं, वहां के जो कमांडर थे सब डर जाते हैं। और फिर वो अंदर जाते हैं तो देखते हैं कि जो कैदी थे वो क्या थे, उन्होंने अपना हाथ काट लिया था, अपना हाथ काट के वो खा रहे थे, अपना पैर काट के खा रहे थे, किसी कैदी का तो पैर ही नहीं है, कटा हुआ है उसको, मांस को निकाल निकाल के खा रहा है। एक कैदी तो ऐसा था उसने अपने लीवर तक को खा डाला था, सिर्फ बीच की हड्डी बची थी और वो हंस रहा था। तो इस दवा से इतना ज्यादा उनको असर हो रहा था, तो वो एक तो उनको ये भी हो रहा था, उनको नींद नहीं आती थी। इस एक्सपेरिमेंट में ये था जब दवा दी उनकी नींद खत्म हो गई थी, इसीलिए वो पागल टाइप के हो गए, दर्द तो ये दवा इसीलिए था कि दर्द ना हो, लेकिन उनकी नींद गायब हो गई। अब क्या हुआ, जब सब चीजें देखे डॉक्टर डर गए, डरने के बाद क्या हुआ, सब जो वहां पे कमांडर थे सब लोग आए, उनको पांचों को क्या किया गया, लेके मतलब हॉस्पिटल लेके जाया गया। अब वहां पे क्या उनका इलाज चलने लगा, अब इलाज चलने में ये था कि इनका जैसे ऑपरेशन किया जाए तो कैसे किया जाए, क्योंकि ये मतलब सो नहीं रहे थे, तो जो मॉर्फिन की होती है, जो इंजेक्शन होती है, एक इंजेक्शन से इंसान कैसा भी हो सो जाता है, इनको 8 इंजेक्शन दिए गए सो ही नहीं पा रहे थे, जिसमें से क्या होता है कि 3 मर जाते हैं, 3 मर जाते हैं, फिर ये छटपटाने लगते हैं पागलपन की तरह, इनको अंदर होने लगता है, फिर क्या होता है इनको वही ड्रग दिया जाता है, तो फिर इनको थोड़ा सा रिलैक्स मिलता है, फिर ये हंसने लगते हैं। फिर आप डॉक्टर क्या करते हैं, इनको लेके आते हैं, थोड़ा सा ठीक जब हो जाते हैं ये तो डॉक्टर लेके आते हैं। अब क्या था, यहाँ पे जो साइंटिस्ट थे, डॉक्टर थे, ये चाह रहे थे कि एक्सपेरिमेंट बंद हो जाए, क्योंकि इंसानों की जो क्रूरता हो रही थी वो हदस गए थे, कि इंसान तो दानव हो चुका है, इंसान तो राक्षस हो चुका है। लेकिन रशियन गवर्नमेंट क्या करती है, इस एक्सपेरिमेंट को नहीं रोकती है, वो कहती है नहीं, इस एक्सपेरिमेंट को आगे लेके चलो, इन पे देखो और क्या होता है। फिर क्या होता है कि वो जो लोग होते हैं डॉक्टर होते हैं, उनको अंदर लेके जाते हैं इस बार। लेकिन इस बार दोस्तों दिक्कत बड़ी होती है, दिक्कत ये है जो कमरा है उस कमरे के अंदर दोस्तों डॉक्टर को भी जाना पड़ता है, 3 डॉक्टर जाते हैं, 1 कमांडर जाता है, 3 डॉक्टर वहां बैठते हैं और 2 जो लड़के होते हैं वो वहां पे होते हैं। इस बार उनको जो डोज होता है बढ़ा दिया जाता है। अब क्या होता है कि फिर अब वो लोग उनको देखते रहते हैं ये लोग क्या कर रहे हैं। पहले ही तो क्या होता है, ये लोग छटपटाते हैं खूब ज्यादा, फिर जब दवा उनको और दिया जाता है तो ये क्या होते हैं, जब इनको दवा मिलता है ये हंसने लगते हैं, खुश हो जाते हैं, ये बोलते हैं मुझे यहां से कहीं मत निकालो, मुझे यहीं पर रहना है। फिर डॉक्टर उनसे एक सवाल पूछता है कि ये बताओ तुम कैसा फील करते हो, तुम क्या महसूस करते हो। वो डॉक्टर जो पूछता है वो बहुत ही दयावान होता है, वो क्योंकि चाहता है कि चीजें इनके साथ ना हो, वो काफी उसके अंदर काइंडनेस होती है, उसको लगता है कि जो रशियन गवर्नमेंट कर रही है गलत कर रही है। फिर क्या होता है, वो इंसान उसी तरफ देखता है, उसके वो अपने नाखून से पहले अपने चेहरे को खींचता है, फिर उनकी तरफ देख के बोलता है कि तुम्हारे अंदर जो काली यादें हैं, जो तुम सपना देखते हो, जो तुम्हारे अंदर छुपा हुआ है, वो मैं हूं, मैं उस सबको जानता हूं, तुम जितने पाप करते हो मैं सबको जानता हूं। मतलब वो ऐसी बातें करता है, वो डॉक्टर डर जाता है, साइंटिस्ट डर जाता है। उसके बाद क्या करता है, वो पिस्टल वहां पे रखी होती है, पिस्टल उठा के सबसे पहले वो क्या करता है, जो कमांडर होता है उसको गोली मारता है। उसके बाद दोनों कैदियों को गोली मारता है, अपने दोनों दोस्तों को गोली मारता है, फिर बाहर जाता है वहां पे जो सैनिक होते हैं उनको गोली मारता है, और उनको गोली मारने के बाद दोस्तों खुद को भी गोली मार लेता है। और इस तरीके से ये इतनी भयानक घटना होती है। अब आप बात करेंगे सर ये सच है या गलत है। देखिए जब रसिया से सवाल पूछा गया कि आपने ऐसा एक्सपेरिमेंट किया है, तो उन्होंने बोला कि नहीं ऐसा एक्सपेरिमेंट नहीं हुआ है। और दोस्तों अगर हुआ भी होगा तो क्या वो बाहर आएगा, ऐसे एक्सपेरिमेंट कभी बाहर आएंगे, कोई देश बाहर लाएगा, नहीं लाएगा। और ये भी सच है, इसके बारे में अभी तक कोई प्रूफ नहीं है, बस एक छोटी सी वेबसाइट थी जहां पर ये चीजें आई, तो उसके थ्रू ये चीजें फैली यहां पे। तो ये सच है झूठ है इसके बारे में कुछ भी नहीं है। और दोस्तों जो चीज जिसका प्रूफ ना हो उसे सच भी नहीं कहा जा सकता। तो ये पूरा एक्सपेरिमेंट था। ये लेक्चर अगर आपको अच्छा लगा हो इसको लाइक करें, कमेंट करें, शेयर जरूर करें, ताकि और भी लोगों को इसके बारे में पता चले। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच।